नमस्कार, स्पोर्ट्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मार्टिन गप्टिल और रॉस टेलर के अर्धशतकों से न्यूजीलैंड ने शनिवार को भारत के खिलाफ दूसरे इंटरनेशनल वनडे मैच में चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। न्यूजीलैंड ने 8 विकेट पर 273 रन बनाए। रॉस टेलर 74 और मार्क चैपमैन 25 रन बनाकर नाबाद रहे। 41 बार की चैंपियन मुंबई की टीम शुक्रवार को रणजी ट्रॉफी 2020 टूर्नामेंट से बाहर हो गई। सौराष्ट्र और मुंबई के बीच यहां खेला गया मुकाबला मैच के चौथे और अंतिम दिन ड्रॉ हुआ, लेकिन पहली पारी की बढ़त के आधार पर सौराष्ट्र को 3 अंक मिले जबकि मुंबई को 1 अंक मिला। कोरोना वायरस के कहर का असर खेलों पर भी दिखने लगा है। भारतीय महिला टीम ने कोरोना वायरस के कारण सोमवार से शुरू हो रही बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया। पुरुष टीम हालांकि इस टूर्नामेंट में खेलेगी। दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटरों के मेलबर्न में होने वाले मैच का इंतजार अब खत्म होने को है। रिकी पोंटिंग और एडम गिलक्रिस्ट की कप्तानी में होने वाले इस मैच की टीमों का ऐलान कर दिया गया है। पोंटिंग की कप्तानी में ब्रायन लारा, मैथ्यू हेडन, वसीम अकरम और ब्रेटली की टीम उतरेगी। इसके कोच सचिन तेंदुलकर होंगे। दूसरी टीम में गिलक्रिस्ट की अगुवाई में शेन वॉटसन, एंड्रयू साइमंड्स, युवराज सिंह और कर्नी वॉल्श जैसे खिलाड़ी खेलेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल रविवार को खेला जाएगा। भारत लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंचा है जबकि बांग्लादेश ने पहली बार खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।